सो दोस्तों आज हमारे पास ओडीसी ब्रांड की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कूटर है। आज हम इसके बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। इस मॉडल का नाम है हॉक प्लस। आज हम इसके बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। सबसे पहले हम इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। इसकी आपको ऑन रोड प्राइस पड़ने वाली 1,29,000 के आसपास। सो आपको उसके लिए शोरूम पे विजिट करना पड़ेगा। इस शोरूम का एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अभी हम बात कर लेते हैं इस स्कूटर के बारे में। इस स्कूटर का फ्रंट लुक आपको कुछ ऐसे मिल जाएगा। इसके इंडिकेटर की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलने वाले जो कि एलईडी रहने वाले हैं, और हेडलाइट की बात करें तो वो भी आपको एलईडी मिल जाते हैं। साथ में डीआरएल यहाँ पे मिल जाएंगे, एलईडी रहेंगे। जब ये ऑन होते हैं बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। मैं आपको ऑन करके सबसे पहले दिखा देता हूँ। सो भी चलते हैं इसकी की के पास। सो ये रही इसकी की, काफी स्टाइलिश आपको की मिलने वाली। मैं आपको पहले की के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे आपको ऑन करने का ऑप्शन मिल जाएगा, लॉक अनलॉक का मिल जाएगा, एंड आपको एंटी थीफ लॉक मिल जाता है। सो काफी कूल से फीचर्स आपको मिलने वाले। अभी हम स्कूटर को सबसे पहले ऑन कर लेते हैं। ये स्कूटर ऑन हो चुकी है, और आपको हेडलाइट ऑन करने के लिए यहाँ पे आपको प्रेस करना पड़ेगा। आपको हेडलाइट की स्विच आपको एक्स्ट्रा मिलने वाली है। सो अभी हम सामने चल के देख लेते हैं। ये रहे हेडलाइट, आपको काफ़ी अच्छा थ्रो मिल जाएगा। हेडलाइट आपको यहाँ पे हैलोजन बल्ब मिलती है, मैंने आपको एलईडी बोल दिया था। डीआरएल आपको सिर्फ एलईडी मिलने वाला है, और इंडिकेटर ये रहे आपको, ये भी आपके डीआरएल है एक्चुअली। इंडिकेटर कैसे काम करते हैं मैं ऑन कर लेता हूँ, वन मिनट। सो इंडिकेटर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। मुझे लगा ये इंडिकेटर है, लेकिन ये डीआरएल है आपका। इंडिकेटर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आपको दो डीआरएल मिल जाते हैं, एक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एक यहाँ पे। सो काफ़ी कूल सा लुक आपको मिलने वाला है इस स्कूटर में। और अभी हम सबसे पहले इसके रियर वाले सेक्शन पे चलते हैं और टेल लैंप देख लेते हैं, दिखती कैसी ऑन होने के बाद। और सो ये रहा रियर का व्यू। टेल लैंप आपको हैलोजन बल्ब मिलने वाली है, और इंडिकेटर भी आपको बल्ब मिलने वाला है। सो रियर से स्कूटर कुछ ऐसे दिखने वाली, काफ़ी अच्छा लुक आपको मिल जाएगा रियर से। और अभी हम सबसे पहले स्कूटर को ऑफ कर देते हैं, नाउ किसे ऑफ कर देते हैं और चलते हैं अभी हम फ्रंट में। वन मिनट, हेडलाइट की स्विच यहाँ से ऑफ करना पड़ेगा और इंडिकेटर भी, और आ जाते हैं अभी हम फ्रंट में। सो ओवरऑल फ्रंट लुक आपको कुछ ऐसे मिल जाएगा। काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के साथ में आती है ये स्कूटर। आपको फ्रेम गार्ड मिल जाएगा जो कि आपके स्कूटर के बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी। और ये रहा इसका फ्रंट का लुक। मड गार्ड की बात करें तो आपको कुछ ऐसे मिल जाएगा। और अभी हम बात कर लेते हैं इसके सस्पेंशन की। सस्पेंशन आपको फ्रंट में मिलने वाला है टेलीस्कोपिक, जो कि आप देख रहे हो। और रियर का मैं आपको दिखा देता हूँ। रियर का ये रहा, रियर में आपको मिल जाएगा डुअल शॉक एब्जॉर्बर, आपको राइट लेफ्ट दोनों तरफ देखने को मिलेगा। ज़्यादातर स्कूटर में क्या होता है, आपको सिंगल साइड ही सस्पेंशन देखने को मिलता है रियर का, लेकिन आपको इसमें डुअल शॉक एब्जॉर्बर मिलता है, जो कि इसके लिए काफ़ी प्लस पॉइंट रहने वाला है और काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा आपके लिए। और अभी हम फ्रंट में चलते हैं। इसके टायर की बात करें तो आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाएगा। व्हील की बात करें तो आपको एलॉय व्हील मिलने वाले, जो कि डायमंड कट फिनिश के साथ में आती है, जो कि काफ़ी देखने में खूबसूरत दिख रही है। और टायर साइज की बात करें तो आपको फ्रंट में मिलने वाला 100x80 का। व्हील साइज आपको फ्रंट की मिल जाएगी 12 इंच की। और रियर का मैं आपको दिखा देता हूँ पहले टायर। रियर में आपको थोड़ा सा वाइडर टायर साइज मिलने वाला, जो कि आप देख ही सकते हो। और रियर का टायर साइज आपको मिलने वाला है 120x70। और व्हील साइज की बात करें इधर भी आपको 12 इंच की व्हील मिल जाएगी। सो आपको मोटर मिलने वाले रियर व्हील में, आपको BLDC हब मोटर मिल जाती है। अगर हम इसके मोटर की बात करें तो आपको 1800 वॉट की मोटर मिल जाएगी। टॉप स्पीड की बात करें तो आपको मिल जाएगी 50 के आसपास, बाकी डिपेंड करता है आप कैसे चलाते हो। और इसकी वारंटी की बात करें तो आपको 3 ईयर की मिलने वाली, बाकी बैटरी की हम आगे बात करने वाले डिटेल से। और भी हम फ्रंट में चलते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो आपको फ्रंट में डिस्क मिल जाएगी, और रियर का एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। सो रियर में डिस्क नहीं है, रियर में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलने वाला है। और ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम मिलने वाला है, लाइक जैसे CBS काम करता है वैसे ही काम करेगा। और अभी हम इसकी साइड प्रोफाइल देख लेते हैं। सो इधर से ये स्कूटर कुछ ऐसे दिखेगी। ये रहा आपका फ्रेम गार्ड, यहाँ से दिखने वाला है। और यहाँ से स्कूटर कुछ ऐसे दिखने वाले, यहाँ पे भी आपको फ्रेम गार्ड मिल जाएगा। ओडीसी की ब्रांडिंग, ये ब्रांडिंग मुझे काफी अच्छी लगी क्योंकि काफी स्टाइलिश है। और यहाँ पे आपको ग्रैब रेल मिल जाएगा, अभी न्यू है इसलिए कवर किया हुआ है। और इधर से ये स्कूटर कुछ ऐसे दिखने वाले, रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो अभी चलते हैं इसके रियर वाले सेक्शन पे। और रियर से ये स्कूटर कुछ ऐसे दिखने वाली है। ये रहा आपका ब्रेक रेस्ट, और यहाँ पे आपको ऐसा कुछ डिज़ाइन मिल जाएगा ग्रैब रेल पे। और टेल सेक्शन की बात करें तो आपको हैलोजन बल्ब मिलने वाला, नंबर प्लेट यहाँ पे लगेगा। ये रहा रियर का मड गार्ड, और रियर से कुछ ऐसे दिखेगी। ये भी आ जाते हैं इसके लेफ्ट साइड में। सो लेफ्ट साइड से ऐसे कुछ दिखने वाली, यहाँ पे आपको मिल जाएगा लेडीज फुटरेस्ट। और यहाँ पे रियर व्हील में आपको मोटर मिल जाएगी, रिफ्लेक्टर, यहाँ पे आपको हॉक की ब्रांडिंग मिल जाएगी, एंड की से ओपन करने का ऑप्शन मिल जाएगा, आप सीट ओपन कर सकते हो। सो इधर से स्कूटर कुछ ऐसे दिखेगी। साइड स्टैंड एंड डुअल स्टैंड मिल जाएगा, साथ में आपको साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर इसमें मिलने वाला है। और यहाँ पे स्पेस दिया गया है लेडीज फुटरेस्ट का अलग से, जब पिलियन राइडर बैठेगा तो आराम से यहाँ पे भी रख सकता है पैर। सो इधर से ये स्कूटर कुछ ऐसे दिखने वाली है। अभी हम बात कर लेते हैं इसके सीट के बारे में, साथ में उसके बाद में बात करेंगे इसकी बैटरी के बारे में। सो हम की से पहले हम सीट ओपन कर लेते हैं, और ये रही की, और यहाँ से मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे की लगाना पड़ेगा, और ये ओपन हो गया। और
सो यहाँ पे ये चार्जर रखा गया है। चार्जर की वारंटी की बात करें तो आपको 3 साल की मिल जाएगी, जो कि बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहने वाला है। ये मैं नीचे रख देता हूँ। उसके बाद बैटरी की हम बात कर लेते हैं। ये बैटरी पोर्टेबल है, आप इसे घर पे भी ले जाके चार्ज कर सकते हो, नहीं तो आप पार्किंग में लगा के भी चार्ज कर सकते हो। आगे ऑप्शन मिल जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ से आप चार्ज कर सकते हो पार्किंग में लगा के। और इसकी बैटरी की बात करें तो आपको इसमें बैटरी मिल जाएगी 72 वोल्ट की, और रेंज आपको मिलने वाली 80 के आसपास। बाकी डिपेंड करता है आप चलाते कैसे हो। चार्जिंग टाइम आपका लगने वाला है 3 से 4 घंटे के आसपास, और आपकी बिजली कंज्यूम होने वाली है 4 यूनिट, जिसका चार्ज पड़ने वाला है आपको 28 रुपये के आसपास। डिपेंड करता है रेट क्या चल रहा है पर यूनिट का। और इसकी वारंटी भी आपको मिल जाएगी 3 ईयर की। आपको मोटर, बैटरी, कंट्रोलर, चार्जर, इन सब की वारंटी आपको 3 ईयर की मिलने वाली है, जो कि बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहने वाला है इस कंपनी का। और यहाँ पे आपको MCB का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे ऑफ करके आप बैटरी निकाल सकते हो। और यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत स्टोरेज मिल जाएगा, आप पेपर वर्क ऐसा कुछ रख सकते हो। सो अभी हम सीट को लॉक कर देते हैं। और अभी हम बात कर लेते हैं इसके सीट की। आपको कुछ ऐसी सीट मिलने वाली है, पिलियन राइडर, राइडर को अच्छा खासा कंफर्ट मिल जाएगा। कुशनिंग भी आपको अच्छी मिलने वाली है, और बैकरेस्ट आपको काफी अच्छा सा मिलने वाला है, जो कि पिलियन राइडर के लिए काफी कंफर्टेबल रहेगा, जो कि कुछ ऐसे रहने वाला है। मैं इधर से भी दिखा देता हूँ। सो इधर से ये कुछ ऐसे दिखेगा, और यहाँ से कुछ ऐसे। अभी हम इसके फुटरेस की बात कर लेते हैं। आपको ऐसा कुछ काफी स्टाइलिश फुटरेस मिलने वाला है, जो कि आप देख ही रहे हो। आपको अच्छी खासी ग्रिप मिल जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे आपको 2 स्पीकर मिलने वाले हैं, आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आप सॉन्ग बजा सकते हो। और यहाँ पे आपको ऐसा कुछ कंट्रोल करने का ऑप्शन मिल जाएगा सॉन्ग का, वॉल्यूम, प्लस माइनस, नेस्ट। और ये मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। पहले बाइक ऑन, स्कूटर ऑन करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको प्रेस करना पड़ेगा। ये देखो, यहाँ पे भी आपको थोड़ा डिस्प्ले मिल जाएगा छोटा सा। सो आप ब्लूटूथ कनेक्ट करके आराम से सॉन्ग सुन सकते हो। यहाँ पे आपको फोन चार्ज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, सो USB कनेक्ट करके आप फोन भी चार्ज कर सकते हो। एंड एक्स्ट्रा हुक आपको यहाँ पे मिलेगा, बैक कैरी कर सकते हो। एंड थोड़ा सा स्टोरेज यहाँ पे मिलेगा, आप थोड़ा बहुत मतलब छोटा फोन होगा तो आप रख सकते हो। ये मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। सो ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखने वाला है। यहाँ पे आपका स्पीड शो करेगा, इंडिकेटर का साइड में शो करेगा, और यहाँ पे आपको कितना किलोमीटर स्कूटर आपकी चल चुकी है बताएगा, ये आपका बैटरी का बताएगा। सो कूल से आपको फीचर्स इसमें मिलने वाले हैं, और साइड साइड में आपको क्रोमवर्क देखने को मिलने वाला। अभी हम बात कर लेते हैं इसके थ्रोटल की। सो ये रहा इसका थ्रोटल, ब्रेक लीवर, और ये हेडलाइट की स्विच आपको मिल जाएगी, हॉर्न। और इधर से ये स्कूटर कुछ ऐसे दिखने वाली है। और यहाँ पे आपको अपर डिपर की स्विच मिल जाएगी, इंडिकेटर, हॉर्न, ये आपका 2 मोड्स मिल जाते हैं, उसी हिसाब से आपको रेंज एंड स्पीड मिलने वाली है। और ये आपका हो जाता है ब्रेक लीवर, और ब्रेक लीवर आप एडजस्ट कर सकते हो जैसे आपके मतलब हाथ छोटे बड़े हो, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। और मिरर आपको कुछ ऐसे मिल जाएंगे, मैं इधर से भी दिखा देता हूँ। सो अभी हम इसकी डायमेंशन जान लेते हैं। इसकी लेंथ आपको मिलने वाली 1900 mm, आपको विड्थ मिल जाएगी 730 mm, और इसकी हाइट आपको मिलने वाली 1130 mm, और व्हील बेस आपको मिल जाएगा 1380 mm। और इसकी अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो आपको मिल जाएगा 175, जो कि काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है। सीट हाइट आपको मिल जाएगी 830 mm, और इसकी वेट की बात करें तो आपको मिलने वाला 128 kg। सो दोस्तों, अगर आप देख रहे हो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर जिसमें आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाए, साथ में आपको रेंज भी अच्छा चाहिए और लुक काफ़ी तगड़ा चाहिए, तो आप इस स्कूटर को एक बार देख सकते हो। आप टेस्ट राइड लोगे, आपको सब समझ में आ जाएगा ये स्कूटर चलती कैसी है, दिखती कैसी है। इस शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। सो दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।